रही है, आप आ सकते हैं। वॉलंटियर को भेज के इतने चांटे लगवाऊंगा तुम यहाँ आना भूल जाओगे, नहीं वापस चले जाओ। बसी का इस्तकबाल है, 12 बस्ती कबड्डी टूर्नामेंट में बसी टूर का इस्तकबाल इस्तकबाल बसी की टीम जो है वो ग्राउंड में प्रवेश कर चुकी है। बेहतरीन मौसम, हवाएं चल गई हैं, टीम उतर के आ रही है तो हवा भी चल गई। बुगरासी की टीम आ रही है, बुगरासी की टीम एंट्री कर रही है। सौलत भाई सीनियर प्लेयर, रफू भाई और उनके साथ उनकी पूरी टीम। बुगरासी की टीम का इस्तकबाल है, लोगों की शिकायत आ रही है, बीच नहीं रहा है। अब चलाया ना बिल्कुल, अभी क्या लाइव आ गए, कई मिनट में सब आ रहे हैं ना लाइव, अभी तो 26 लोग आए। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद काशिफ खान। मोहम्मद काशिफ खान बसी के कैप्टन। मोहम्मद शिराज खान बसी। मोहम्मद शिराज खान। शाहवेज खान बसी। शाहवेज खान। शिमाल। शिमाल। तबरेज। अफराज खान। अफराज खान। अफराज खान। मुफीस। मुफीस। आमिर। आमिर खान तेरा नाम याद रहता। मोहम्मद आदिल। आदिल। अहमद। अहमद। शहजाद। जावेद। जावेद। हारून रशीद। बाबर खान नाम तो याद होगा। बाबर खान नहीं, वैसे राज नाम तो सुना ही होगा, याद रखना आज के बाद। हाँ, तो ये बसी की टीम है और अब जो है वो दुगरासी की टीम से आपको तारुफ करा रहा हूँ। एक मिनट में आ रहा हूँ, मेहमान कुछ आ रहे हैं, उसके बाद आके सामने देखो, तो आप गेट पे भीड़ दे सकते हैं, तो ये दिखाने को लाया हूँ आपको मंजर। ये इस खेल का जुनून है, डॉक्टर जुबैदुर रहमान खान साहब और बब्बन मियां हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। कमेटी को 25,000 रुपये का सहयोग इन्होंने दिया है और हमारे कहने पे टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन कराने के लिए आ गए थे। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बब्बन चागे के, वो आज हमारे बीच आए हमारे कहने पर। बब्बन चा बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार है। कमेटी चलिए 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 आज और जगह बनाओ, जगह यहाँ से रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, मेहमान आ रहे हैं, रास्ता छोड़ दो। आज के मेहमान हैं डॉक्टर जुबैदुर रहमान खान साहब और बब्बन मियां फ्रॉम चंदियाना। इस टूर्नामेंट के 12 बस्ती कबड्डी टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी जनाब जुबैदुर रहमान खान साहब तशरीफ ला चुके हैं, तालियां बजाकर इस्तकबाल किया जाए जनाब जुबैदुर रहमान खान साहब। ये मैं चीफ गेस्ट हैं आज के और आज अफाकुर रहीम खान साहब बुगरासी से भी आए। जुबैदुर रहमान खान साहब तशरीफ ला चुके हैं 12 बस्ती कबड्डी टूर्नामेंट में उनका इस्तकबाल। बनाएंगे, रुक जाओ। क्या नाम है भाई? अस्सलाम वालेकुम। नसीम कुरैशी। नसीम कुरैशी।
फैजान कुरैशी, शुएब कुरैशी, भाई हटियो, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद शहजाद, हबीब अहमद, हबीब अहमद, मोहम्मद हबीब, मोहम्मद हबीब, दाऊद, दाऊद, मोहम्मद रिहान, मोहम्मद रिहान, बबलू लोधी, बबलू लोधी, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद शहजाद, और ये है रिजवान, इसका नाम मैं जानता हूँ। पहिया पहिया कौन आया नहीं? अच्छा ये ठीक है। तो मैं जो है वो आज बहुत शानदार होने वाला है। बुगरासी की आवाम को शिकायत है कि बुगरासी से, और ये हमारे साथ कौन इनको नहीं जानता, जिसने कबड्डी देखी है वो इनको ज़रूर जानता है। रफू भाई क्या कहना चाहेंगे सर आज के मैच के बारे में? आज के मैच के बारे में ये कहना चाहेंगे, बच्चे हैं हमारे ये जी, ये इंशाल्लाह खेल दिखाएंगे, अच्छा दिखाएंगे, हर जीत तो लगा हाथ में, खेल होना चाहिए बस, खेल की नियत से होना चाहिए, बिल्कुल खेल की नियत से ही। और यही बच्चों से हमने कहा कि बिल्कुल प्यार और मोहब्बत के साथ में अपना खेल दिखाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत रफू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। खेल की दीवानगी ये है कि बहुत उम्र दराज लोग इस खेल को पसंद करते हैं और इस खेल में आना पसंद करते हैं। लो जी कहाँ हैं बुगरासी वाले? इसका नाम है दिलशाद और इसको क्या कहा जाता है तुम ही कह दो। कमेंट आज बहुत अच्छा किया था इसलिए नहीं कह रहा मैं तुम्हें, आज तुम्हारा कमेंट मुझे पसंद आया। बोल दूंगा जब बोलूंगा, अब खेल शुरू होने वाला, बस बेफिक्र रहो। बाद में सही रहेगा, तो समझ रहा मानो मेरी बात, बाद में बात ना, एक काम करो अब भैया, ये आ गया, ये अब यहाँ कौन आ रहे हैं ना, ये लोग सब मुकबिल भाई बता रहे हैं। मैं शुरू कराने को कह रहे हैं, दोनों टीमों की तीन तीन छोटा खेल होगा, तीन ही करेंगे, तीन पारी ओके। मैच हम करा रहे हैं, अच्छा थोड़ा थोड़ा जो लोग खड़े हैं अपनी जगह ले लीजिए और रास्ता छोड़ दीजिए, रास्ता छोड़ दीजिए, मैं शुरू होने वाला, रास्ता छोड़ दीजिए और
ये जो वॉलंटियर है वो थोड़े चलते फिरते रहे, एक जगह जमकर ना लगाए। आप तौर से जो सामने गेट के पास लोग लगाते हैं ना, थोड़ा एक क्राउड सा हो जाता और दोनों टीमों के नुमाइंदे या कैप्टन कमेटी के पास हम आए और फिर कैप्टन और नुमाइंदे या ज्यादा पब्लिक ना आए, दोनों टीमों के नुमाइंदे। काशिफ भाई ग्रैंड फिनाले है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। मंटू भाई मेरे अलावा तो आप अभी आप मुझे ये बता सके थे कि आपको बताऊं, हम यहाँ खिलाड़ी यहाँ से खेल के लिए आए, लोगों की मजेदारी के लिए, लोगों को प्यार मोहब्बत के लिए। हम दोनों टीमों के नुमाइंदों को भी, कप्तानों को भी, सबको, पब्लिक को बहुत अच्छा लगे सर आपको। मेरे ऊपर कोई ऐतराज नहीं है, भाई के खिलाने पर ना दफी ना आपके खिलाने पर जिसे कमेटी कहते नहीं है, लेकिन दादा मुझे जानते हैं आप क्या है कि आप मेरी थोड़ी मजबूरी है, मेरी बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा जो है तो इस वजह से मैं नहीं। हां वो तो ये तो आपकी बात सही है, नहीं तो हमें ऐतराज नहीं है भाई, मैं क्या कह रहा हूं आप समझ नहीं, मैं कह रहा हूं ना हमें आपसे ऐतराज, आप भाई से ऐतराज ऐसा है। आप उवैध भाई के ऊपर अगर दोनों मुतमईन है, पहली पाली उवैध भाई खिलाते हैं और अगर देखिए रेफरी है, नजर चूक जाती है, अगर कहीं पे भी नजर चूकती है, छोटी मोटी गलती को तो नजरअंदाज करनी पड़ेगी दोनों को, अगर कोई बड़ी नजर चूकती है, मैंने अपना एक आदमी अलग से वीडियो बनाने पे लगाया है और मैं बैठा हूँ वहाँ पर, आप सारी टीम शोर न मचाए, आपका नुमाइंदा या कैप्टन वहां से इशारा करे, मैं उसे बुला लूंगा और उसके रिपीट करके देख के फाइनल फैसला कमेटी का होगा, जो झंझट का फैसला होगा वो, बाकी सारे फैसले रेफरी लेते रहेंगे, अगर कोई उलझन का फैसला है वीडियो देख के कमेटी फैसला लेगी और उसे मानता रहेगा। भाई देख लो फराज भैया, बस क्या बताऊँ, ये बहुत उलझन है, ये कमेटी से आके पूछ क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं, क्या मामला, गेम स्टार्ट हो रहा है, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लो क्योंकि मैं आयात बोल रहा हूँ, पब्लिक यहाँ पर मौजूद है, ये बहुत दिन के बाद इन्होंने कराया गिरोह वालों ने, रफीक भाई का, तस्लीम भाई का, यहाँ की कमेटी का, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने एक पुराने खेल को जिंदा किया, खत्म हो चुका था, इन्होंने जिंदा किया, अब इनकी हौसला अफजाई करना हमारा फर्ज बनता है, जितने भी आदमी यहाँ मौजूद है और जो बाहर देख रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। दूसरी चीज, जो दो टीमें खेल रही है इनके अपने अपने अलग अलग सपोर्टर हैं और अपनी टीम के लिए हर आदमी जायज और नाजायज सपोर्ट करने की कोशिश करता है और रेफरी को गालियां देना शुरू कर देता है, रेफरी जब यहाँ पर खड़ा होकर खिलाता है तो वो कम से कम यहाँ पर 2000 आदमी है उनके सामने गंदा होता है, अगर बेईमानी कर रहा है उनके सामने गंदा हो रहा है तो जो रेफरी का फैसला हो उसको मानिएगा और जैसे इन्होंने कुर्बानी दी है अगर कहीं रेफरी से चूक हो जाए तो उसके लिए आप भी कुर्बानी देने को तैयार रहो, क्योंकि कोई हम झंझट नहीं करेंगे, प्लेयर भी कुर्बानी देने को तैयार रहे, पब्लिक देख रही है आपने अपना खेल दिखा दिया, बेईमानी कर रहा है, रेफरी सामने गंदा हो रहा हो, तुमने अपना खेल दिखा दिया तो रेफरी को छोड़िए, रेफरी कोई बेईमानी नहीं करता है, चूक हो सकती है उससे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेईमानी कर रहा है, तो हर प्लेयर को, दोनों टीमों के प्लेयर को, दोनों टीमों के नुमाइंदों को
और जो यहाँ पब्लिक बैठी है उनको कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए यहाँ कि हम कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे, सारी टीम हारती हो हार जाए लेकिन हम कुर्बानी दे रहे हैं। सीधी साधी बात यह है, अगर इस खेल को आगे के लिए जिंदा रखना है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यही खत्म हो जाए, फायदा क्या होगा? इन्होंने किस मेहनत से और कैसे करके इन्होंने तैयार किया, इस खेल को जिंदा किया, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मेरी तरफ से जो भी जरूरत पड़े मैं हर वक्त तैयार हूँ। बसी की आवाम से जो इनके कैप्टन हैं ये कहना चाहते हैं, इनकी बात ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम भाई, ऐसा है हमने किसी भी गेम में कमेटी को टीमों से पूछते हुए नहीं देखा कि रेफरी किसे रखे हैं। ये कमेटी की जरा नवाजी है और मोहब्बत है कि कैप्टनों से टीम से पूछा जाता है, वरना ये फैसला कमेटी का सिर्फ और कमेटी का होता। तो इस इज्जत अफजाई को खास तौर से वसी वालों को मुतवज्जे करके कहता हूँ कि इसको कायम रखें, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो प्लेयर पास से देख रहे हैं, प्लेयर आन के कमेटी से रिक्वेस्ट करेंगे, उस पर कमेटी अमल करेगी। जरूरी तौर पर बसी वालों को मुतवज्जे करके कह रहा हूँ कि इस चीज का ख्याल रखें। बगरासी वाली पब्लिक से मेरी अपील है कि एक तो बाहर तो ये ना करें जल गया जल गया जल गया, और कोई भी ना प्लेयर बोले। आज जफीर भाई ने एक्स्ट्रा एक और वीडियो बनवा रहे हैं ताकि कोई अगर जजमेंट गलत होता है तो नुमाइंदा या कैप्टन जाकर कहेगा पब्लिक आउट है अपनी जगह से बिल्कुल भी ना, और कोई प्लेयर ये दोबारा रिप्ले देख के जजमेंट देंगे अगर किसी पे घपला होता है तो। और उम्मीद ये इंशाल्लाह होगा ही नहीं, तमीज के साथ मैच को मजा उठाएं, कोई सी टीम जीते कोई हारे दोनों अपनी टीम। बहुत बढ़िया, शौकीन कबड्डी बिरादरान इस्लाम सभी का सलाम अलैकुम। जितने भी सामाइन यहाँ पे तशरीफ फरमाए, कहीं ना कहीं कबड्डी का शौक रखने वाले, बड़े दिल पे इस कबड्डी के खेल को लेने वाले बैठे और तशरीफ फरमाए, सभी से मैं गुजारिश करता हूँ। देखिए कबड्डी का आज ये फाइनल आखिरी दिन है, बुगराशी की अवाम, बसी की अवाम, जहां की भी मेहमान और अवाम आएगी है, सभी से मौजदाना दरख्वास्त करता हूँ कि कोई भी ऐसा इंसान यहाँ पे ना हो जो इस कबड्डी में शर पैदा करे। मोहब्बत की तो दुआते लेकिन शर पैदा ना करे कोई भी। हम लोगों को प्यार मोहब्बत का इजहार करना है, हम लोगों को ये दिखाना है कि देखिए बारहबस्ती का तहजीब है, ये तमीज है। अगर आज ये तहजीब तमीज में किसने भी ग्रहण लगाने की कोशिश करी वो समझ लेना अपने माँ बाप की औलाद नहीं है। इसी के साथ एक शेर को अपनी बात खत्म करता हूँ। आज चौकीन कबड्डी है, कबड्डी का मजा लीजिए और फील्ड में बैठ के मौसम का मजा लीजिए। अपनी 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 जगह ले लीजिए, सब लोग खेल शुरू होने वाला है, जो सामने लोग खड़े थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, और टीम के पीछे दो लोग से ज्यादा न बैठे, टीम के पीछे सिर्फ दो नुमाइंदे दो ही लोग बैठे, ज्यादा लोग न बैठे टीम के पीछे। आइए आइए सरदार है, कमेटी ने तशरीफ रखा आपकी। फैसल खान वो मुजम्मिल खान से मिलने गेट की से उन्हें चाबी की जरूरत है। फैसल खान गिरा रहा चप्पलों का ध्यान रखो। सामने पे हट जाइए, कमेटी के सामने जो लोग ये खड़े हैं बिल्कुल खड़े, कमेटी वाला रास्ता छोड़ दीजिए, कुछ मेहमान आने वाले हैं, मेहमान आएंगे और डिस्टर्ब होंगे, सामने पे बिल्कुल रास्ता छोड़ दीजिए, बाकी अपनी अपनी जगह ले लीजिए। बिल्कुल ये वॉलंटियर का झुंड एक जगह इकट्ठा ना हो, और जो पीछे लोग ये आगे लोग बैठने की कोशिश कर रहे हैं थोड़े पीछे रहे। जो शहादत तुम्हारे वाली जो लाइन है इसका ध्यान रखें, ज्यादा इससे लिमिट से आगे ना बढ़े ताकि प्लेयर भागे, किसी के प्लेयर के चोट लगे या किसी देखने वाले के चोट लगे वो अच्छा नहीं होगा। देखिए बहुत शानदार मैच होने जा रहा है बुगरासी और बसी के बीच। कल एक बात का ऐलान किया गया था कि ये फाइनल मैच कल होगा, और ये आप लोगों को मगरिब से पहले पहले टाइम की पाबंदी के हिसाब से
मगरिब से पहले पहले एंट्री कर लेनी है, मगरिब के फौरन बाद मैच शुरू करा दिया जाएगा, क्योंकि इसमें इनामात भी देने होते हैं, काफी टाइम लग जाता है, रात का टाइम है। लेकिन फिर मैंने वीडियो भी डाला, बार बार मैंने ये कहा खेल में अनुशासन में रहिए, पूरी ड्रेस में आइए, खेल के नियमों का पालन करिए। जो हमारे टूर्नामेंट के नियम है कि कार्ड से एंट्री होगी, कल हमने ये कहा था कि टीम के अलावा 20 आदमी आएंगे, लेकिन दोनों टीमों ने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि मैं टीम के 50 आदमी की आप एंट्री करा दीजिए। हमने उस बात को कबूल किया और 50 लोगों की एंट्री करने की इजाजत दे दी। फिर आज मैंने दोपहर भी वीडियो डाला कि ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, और मैंने गिरौरे के अंदर इस बात की सख्ती से पाबंदी लगा दी। फाइनल मैच है, गिरौरे के चंद लोग ही देखने के लिए आए, ज्यादा बड़ी तादाद में ना आए। लेकिन उग्रासी के और बसी के दोनों गांवों के नुमाइंदों को और जिम्मेदार लोगों को बार बार मैंने ताकीद की कि अपने अगर आपने मुझसे 50 के लिए बोला है तो 49 होने चाहिए, 51 नहीं होने चाहिए। लेकिन इतने अनुशासन में रहे दोनों लोग कि मगरिब से बहुत देर पहले तो सब टीमें आ गई, और 50 लोगों की तो बात छोड़िए, अगर मैं गिनती लगाऊं तो बुगरासी के 200 के लगभग लोग बैठे। क्या तरीका है आप लोगों का, क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप, क्या आप कमेटी को कोऑपरेट कर रहे हैं? जब हम बार बार आपसे गुजारिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज 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 आप कमेटी को कोऑपरेट करिए, कम लोग भेजिए। वो कम लोग भेजने का ये नतीजा कि आपने 200 लोग लाके मेरी छाती पे चढ़ा दिए, शर्म आनी चाहिए आपको इस बात की। अब जो रेफरशिप करेंगे वो रेफरी साहब पहुंचे, और जो इस खेल के नियम है रेफरी साहब ईमानदारी से खिलाते हैं, कोई भी रेफरी हो बहुत ईमानदारी के साथ फैसला लेते हैं, लेकिन इंसान है, नजर चूक सकती है, इस बात को मैंने बार बार कहा है। अगर नजर चूक जाती है और आपको ऐसा लगता है कि नजर चूक गई रेफरी साहब की, तो हमारा एक अलग से थर्ड एम्पायर के रूप में वीडियो बना रहा है एक शख्स, वो कमेटी से शिकायत करे, कमेटी रिप्ले देखने के बाद में उसका फैसला ले लेगी। अब हमारे मेहमान खुसूदी जनाब कसीम हैदर खान साहब शाजापुर में तशरीफ लाए हैं, अब बारहबस्ती कबड्डी टूर्नामेंट में उनका स्वागत है, आप सभी लोग तालियां बजाकर इस्तकबाल कीजिए। ट्रॉफी जो है वो विनर के लिए ट्रॉफी लाएं, जो विनर रहेगी टीम उसको ट्रॉफी अलग से दी जाएगी। शाहजहांपुर से खसीम हैदर खान साहब है, वो लेकर आए। Thank you.
रेफरी साहब पहुंच चुके हैं और बहुत खूबसूरत मैच होने जा रहा है। मैच का मजा लीजिए और प्लीज प्लीज इस कोने से यहाँ पर हमारे मेहमान ने खुश हो दिए, उन्हें देखने में डिस्टर्ब ना हो, आप लोग उधर खड़े हो जाइए प्लीज, बराए मेहरबानी। कुर्सी कमेटी के अंदर दो चार कुर्सियों का इंतजाम और कीजिए प्लीज, वॉलंटियर। शेरपुर से जनाब सईद अख्तर साहब तशरीफ लाए हैं, उनका इस्तकबाल। कमेटी में कुर्सियों के लिए जरा चार कुर्सी भेज दीजिए प्लीज। अरे सिक्का दे देना, सिक्का का इंतजाम कर दीजिए आप। अरे फिर मैं जरा इतना सुबह से तुम्हें नहीं पता। वो ऐसा सिक्का देने के लिए आए। बसी ने हेड कॉल किया था, हेड है बसी, टॉस जीती है, क्या करेंगे सांस। ये सांस लेंगे पाला, तुम कौन सा लोगे, यही पाला लेंगे। बसी ने टॉस जीत के पहले कुर्सी का इंतजाम किया जाए, कुर्सी का। जफीर भाई, बसी ने टॉस जीत के सांस लिया है, बुगरासी का ये वाला फील्ड है। बसी ने टॉस जीता, सांस लिया, बुगरासी का फील्ड। इधर खड़े हो खिला, आप इधर खड़े हो। मैच अब शुरू होने वाला है। दोनों ही टीमें शानदार हैं, बसी का सांस है। शिराज और काशिप भाई जो हैं, काशिप भाई सांस लगाने आए हैं, शिराज जो हैं वो पकड़ करने के लिए आए हैं। बुगरासी से कौन आएगा, रिहान पकड़ करने के लिए आएंगे। रेफरी साहब एक मिनट के लिए बस खेल रोक दिया जाए, बस एक मिनट में लूंगा। दोनों टीमों के पब्लिक और दोनों टीमों के कैप्टन प्लेयर्स एक बात ध्यान से सुने। पहली बात तो ये है कि ये मैच जैसे होते चले आए, जैसे फाइनल पांच पाली में तीन कर दे, ऐसा नहीं है। सिर्फ दो पाली जिसकी हो जाएंगी वो जीता घोषित कर दिया जाएगा, एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इसमें बीच में हमें इनाम भी बांटने हैं। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, कमेटी अपने हिसाब से फैसला लेगी। अगर टाइम की कोई ज्यादा अपडेट हो जाती है तो कमेटी नुमाइंदों से मशवरा करके फैसला लेगी, कोई भी अभी बाउंडेशन कमेटी की तरफ से नहीं है। एक बात ये कि जैसे मैं खास तौर से आवाम से कहना चाहता हूं, क्योंकि ये छोटा फील्ड है, बड़ा फील्ड होता था तो आवाज नहीं आती थी। जैसे ही रेडर सांस लेकर चले और आप अगर शोर मचाना करते तो रेफरी को आवाज नहीं आती, वो फैसला ही नहीं ले पाता कि इसमें सांस था या नहीं था। तो उसमें आपका भी नुकसान हो सकता है या आपका, दोनों में से किसी का भी नुकसान हो सकता। तो आप बहुत सुकून से सांस रोक के शांति से देखते रहे, जब फाइनल डिसीजन आ जाए जब मनोरंजन खूब करिए, हवा करिए, तालियां बजाइए, कोई दिक्कत नहीं। मैं शुरू कराया पहली पकड़ काशिप भाई की हो चुकी है, जो रिहान ने की है, बहुत शानदार पहली ही पकड़ हो गई है। और ये भी पकड़ है, दोनों ही टीमों के पकड़ियाओं ने पकड़ कर दी है। बैक टू बैक काशिप भाई पे दो पकड़े लगा दी हैं। और ये भी पकड़ है,
दो पकड़े उधर से तो दो पकड़े इधर से, दोनों ही टीमों ने शानदार पकड़ लिया काम है। अभी तक दोनों सांसद दोनों सांसों में फेल रहे हैं। पहला सांस बसी की तरफ से शाहबेज ने लगा दिया, बुगरासी के दो बैठ गए हबीब भाई और रिहान भाई। अब आए हैं बबलू, हाथ मार दिया, बेहतरीन अभी तक का बहुत शानदार खेल चलता हुआ। मार दिया हाथ, दूसरा सांस शाबे से लगातार। हबीब भाई एक बार फिर तैयार, बुगरासी के दो प्लेयर बैठे हैं अभी। बेहतरीन बॉल पे हाथ डालने की कोशिश, शानदार सांस हबीब भाई से। रिजवान आए पकड़ करने के लिए, बहुत दूर से हाथ, बेहतरीन खेल चलता हुआ, बहुत शानदार तरीके से पब्लिक मैच देखती हुई। बुगरासी के दो बैठे हुए, सांसर ने सांस नहीं तोड़ा इसलिए रेफरी ने पकड़ दी। बहुत तेज भाग के हाथ मार दिया है, और ये भी पकड़ है। बुगरासी के एक दो तीन चार पांच खिलाड़ी बैठ चुके हैं। पास में जगह वो जगह अगर लेके जाते हैं तो बाल्टी के पास रखते, प्लेयर परेशान होते हैं पानी पीने के लिए। बेहतरीन सांस भाग के, शानदार खेल चलता हुआ, लाजवाब खेल चलता हुआ। ये पकड़ हो गई, शाबेश थक गए थे, पकड़ कर दी बेहतरीन, शानदार। बुगरासी के बैठे हैं अब दो दो चार, बसी के बैठ गए दो। तीन प्लेयर बैठे हैं, बुगरासी के भी तीन प्लेयर बैठे हैं। लोग शोर न मचाएं, अगर कोई ऑब्जेक्शन है कैप्टन या नुमाइंदा कमेटी से बात करे, आपके रोल मचाने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, कितना ही शोर मचा लो। इस सांस को चैलेंज कर दिया है सौलत भाई ने, और सौलत भाई ने कहा है कि ये जो है जल गया है। Thank you.
इस शख्स को रूखा खराब दे दिया जाए। ठीक है, रूखा खराब दे दिया जाए, नहीं हो रहा उसमें। आप तो लगना ना लगना इसमें भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब वो झटका लेकर गया है तो डोली से बाहर सांस पहले टूट रहा था, उसका फरार दे दो। बेहतरीन पकड़ शामिल से, शामिल भाई से बेहतरीन पकड़। शानदार सांस बुगराशी की तरफ से, बढ़िया सांस शाविस। दोनों ही टीमें शानदार खेल खेल रही, बुगराशी के तीन और तो पांच प्लेयर बैठ चुके। बबलू भाई सांस जोर से भरना, डॉल बनवाओ डॉल। चार खिलाड़ी दूर आ चुके हैं, बेहतरीन पकड़, शानदार पकड़ है, शानदार पकड़, लाजवाब पकड़। उसी के भी तीन प्लेयर बैठ गए, बहुत शानदार खेल चल रहा है, लाजवाब खेल चल रहा है। बेहतरीन सांस, एक और अच्छा सांस, बसी के चार प्लेयर बैठ गए। बेहतरीन पकड़ है क्या ये, क्या ये बेहतरीन पकड़ है? जी हाँ, बहुत शानदार पकड़, लाजवाब पकड़, बहुत उम्दा पकड़। दो दो चार और एक पांच, बसी के खिलाड़ी बैठ गए पांच। आमिर आए हैं पकड़ करने के लिए। बेहतरीन सांस, बसी के खिलाड़ी बैठ गए हैं, एक दो तीन चार पांच, छठवां खिलाड़ी, छह खिलाड़ी बैठ चुके हैं बसी के। बेहतरीन सांस काशिप भाई से, वकार खान साहब बॉम्बे टावर। अगर बसी की टीम जीतती है तो बतौर इनाम 5100 रुपए दिए जाएंगे, अगर बुगराशी जीतती है तो 11000 रुपए दिए जाएंगे। बुखार भाई ने 5100 रुपए अगर बसी जीतती है तो, और 11000 रुपए बुगराशी जीतती है तो। हारून आए, तीन और तो पांच लड़के बैठे हैं बसी के। बेहतरीन सांस, बेहतरीन सांस लगा रहा है लड़का। छह लड़के बैठे हैं बुगराशी बसी के, शावेद आ रहे हैं सांस लगाने के लिए।
हेलो बस मैं जानता हूँ तेरी ट्रिक कोई नहीं जानता मार दिया बसी की टीम के एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ बैठ गए आठ बसी के आठ बसी के आठ जन बैठ गए आठ जन ये बहुत अच्छे सांस आ रहे बसी से पकड़ हो गई बेहतरीन पकड़ लाजवाब पकड़ और शानदार मैच चलता हुआ तीन तीन छः तीन नौ खिलाड़ी बैठ चुके हैं बसी के नौ खिलाड़ी बैठ गए बसी के नौ नौ खिलाड़ी बैठ गए बसी के नौ खड़े होकर रोल न मचाए खड़े होकर अपनी जगह बैठे रहे प्यार से मैच देखें बैठे बैठे ताली बजाएं उग गया उग गया उग गया उग गया सांस अरे उग गया वॉलंटियर वॉलंटियर इधर इधर दो दो वॉलंटियर पहुंचे उस कोने में ये सामने जो कोना आना बुकराफी वाला इस कोने में दो वॉलंटियर गौर से रहिए और अगर कोई बदतमीजी करता पाया जाए आने का मुझे बताना बाहर रफीज शहादत दोनों ध्यान रखो अगर कोने से कोई तुम्हारे बदतमीजी की आवाज आती है मुझे बताना बेहतरीन साहब तीन तीन छह तीन नौ नौ लड़के बैठे कैसी मारी जरूर थी लेकिन निकल गई बेहतरीन खेल चल रहा है शानदार खेल चल रहा खेल शुरू होने से पहले चुप रहे बेहतरीन सांस तीन तीन छह तीन नौ लड़के अभी भी बसी के बैठे हैं अरे डॉल बनवाओ डॉल यार डॉल कौन बनाएगा डॉल ये बेहतरीन पकड़ है लाजवाब पकड़े की है इस लड़के ने लाजवाब पकड़े की है लाजवाब पकड़े की है इसने बहुत शानदार पकड़े बेस्ट कैचर है आज का ये दस बैठ गए ये लास्ट है दस बैठ गए लास्ट है लास्ट और ये पाली हो गई है पाली हो गई पाली पाली हो गई पाली पहली पाली बुकरासी ने बसी पे कर दी है पहली पाली बुकरासी ने बसी पे कर दी है पहली पाली बहुत शानदार पहली पाली बहुत शानदार बुगरासी ने बसी पे पेल दी बहुत शानदार खेल और लाजवाब पकड़े भाई वाह कम बैक किराया तुमने बहुत बढ़िया खेला भाई बहुत बढ़िया ओ इधर आ इधर बहुत शानदार आज का बेस्ट कैचर इस पाली का बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पहली पाली बुगरासी ने कर दी है बहुत शानदार खेल चलता हुआ बहुत ही लाइव मेरी बुगरासी की जो जनता वहाँ बैठी है उससे दरखास्त है देखो अगर मैच देखना है लाइव यहाँ से तो शांति से बैठे रहो देखो हम सारे लोग शांति से देख रहे हैं और अगर बाहर बंदे बाहर निकलवा देखे राहिचा ताहिचा और ये सब लोग शांति से देख लो मैं हेलो हाँ रिया तुम्हें खुराक चाहिए खुराक चाहिए तो बता दो मैं आ जाऊंगा खामोशी से बैठे रहो गेम होने के बाद पकड़ या छूट के बाद चिल्लाना चाहो बैठ के जगह उससे पहले मत चिल्लाओ रेफरी डिस्टर्ब होता है उसको सांस का पता नहीं चलता सलीके से बैठ के देख लो इंसानों की तरह रोड मत बोलो अम्मात भाई कह रहे हैं ठीक है मैं कह रहा हूँ एक हजार रुपए अरे शुएब अम्मात भाई एक हजार रुपए देंगे तुझे अम्मात भाई ठीक है कर दो खोल दिया गोदी बता दिया मैंने और ज़ुबैदुर्रहमान चचा हमारे एक कहने पे इनॉग्रेशन कराने आए थे चचा मजा आ रहा है मैच में बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल हो रहा है और यही दुआ है कि बहुत अच्छे से ये फाइनल हो और ज़फ़ीर खान की और गिरौरे की बड़ी मेहनत है इसमें टूर्नामेंट कराने में और मेरी भी यही दुआ कि अल्लाह ताला इसे कामयाब बनाए मैच को और जो भी खेले जो भी टीम जीते उसके लिए बहुत बहुत मुबारक है एडवांस बहुत बहुत शुक्रिया तो बपन चा हमारे बीच में है और इन्होंने कमेटी को भी 25,000 रुपए से जो है नवाजा है या नवाजेंगे
भी आए हैं और दे दिए पप्पन चा ने 25,000 रुपए कमेटी को सपोर्ट किया है और इनॉग्रेशन जो है वो भी पप्पन चा एक बुलाने पे आते हैं, बहुत बड़ी बात है। अपने क्षेत्र के बहुत ही शानदार व्यक्तित्व हैं, बहुत ही सम्मानित व्यक्तित्व हैं और भी अनाउंसमेंट होंगे। बहुत बढ़िया खेल हुआ, बहुत बढ़िया खेल हुआ, बहुत बढ़िया शानदार खेल हुआ। बेहतरीन खेल हुआ, शानदार। एक पारी तुम कर दोगे ना तो मजा आ जाएगा, फिर तीसरी पाली में इंशाल्लाह पारी होगी। अल्लाह ने तुमसे मेरे मालिक, तीन पाली होनी चाहिए, तीन पाली मैच में, मैच में मजा आना चाहिए। अब तो बुगरासी ने जो पाली की है बहुत शानदार पाली रही है, उसमें शुएब ने बुगरासी को कमबैक कराया है। शुएब ने इतनी शानदार पकड़े की हैं, कहीं ना कहीं दो पकड़े जो हैं शुरुआत में रिहान ने बहुत शानदार लगाई थी और उसके बाद शुएब ने तो मजे ही खड़े कर दिए बुगरासी के लिए। आपके पास उत्तरे हो तो वो उत्तरे दे दे, बुगरासी की टीम को उत्तरे दे दे। जो यहाँ की बुगरासी की आवाम बहुत खुश है क्योंकि फाइनल जीतने के करीब एक जो सीढ़ी होती है उस पर खत्म रख दिया है। मैं बोलता रहूंगा, अभी ऐसे बोलते रहो। ठीक है, अब्दुल्ला खान की तरफ से अब्दुल्ला खान मुबारक भाई, 2100 रुपए का इनाम बुगरासी की टीम को जीतने पर। अरे दुबई में जो साथ रहता ना साथ, उसने बुगरासी की 5,000 रुपए दिया, फाइनल जीत के तो बता दो। साथ जो दुबई रहता है व्हाट्सएप नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, तुम दोनों ने कहा था मजा आ रहा मैच में, बस शांति से खेल होने दो लौंडों का, खेल होने दो, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है शांति से उठ जाओ, रोल मत मचाओ। आप जब कह रखा कोई बात ठीक है ना, आराम से खड़े होकर ले लो, यहाँ आओगे फिर भाई के पास, हम उनसे ही तो कहना है। आसिफ था बुगरासी, उन्होंने ऐलान किया बुगरासी की टीम जीतती है तो 11,000 रुपए उनकी तरफ से। दाऊद कर दिया ठीक है। तो इस टूर्नामेंट में शेरपुर से अब्दुलरहमान भाई हों, बुगरासी से वखार खान साहब हों या फिर चनियाने से अब्दुलरहमान भाई, जुबैदुररहमान खान और बब्बन मियाँ हों, उन्होंने तमाम लोगों ने कमेटी को सपोर्ट किया है और शानदार तरीके से कमेटी को जो है अपना योगदान दिया है, तभी हम एक ऐसा शानदार फाइनल कराने में कामयाब हुए हैं। और अल्लाह से यही दुआ है कि ये जो पाली है जिसकी भी हो बखैर हो और ये टूर्नामेंट बखैरियत एक मैसेज यहाँ से चला जाए कि ये जो बाराबस्ती का पारंपरिक खेल है, ये जो एक कबड्डी है जो बाराबस्ती के खून में बसती है, जो भी इस खेल को देखता है वो यही सोचता है कि ये किस तरह का खेल है। एक अगर डायलॉग कहा जाए ये क्या है बे, तो ये कुछ कम नहीं होगा। तो ये इस तरह का खेल है और बेहतरीन खेल है। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं, हर आदमी जो है वो इससे जुड़ा हुआ है, हर आदमी चाहता है कि मैं ग्राउंड में बैठ के देखूं, लेकिन उसके बावजूद भी फाइनल है तो परमिशन बहुत लोगों को दी है आने की, वरना इतनी अलाउड नहीं करी थी। लेकिन कमेटी जो है, कमेटी पूरा प्रयास कर रही है कि कैसी कोई ख़राबी ना हो, क्योंकि आगे को कोई भी टूर्नामेंट कराए तो उसके हौसले बुलंद रहें। और रफीर भाई काफ़ी शांति, बहुत शानदार खेल, क्या कहना चाहोगे? खेल बहुत अच्छा हो रहा, दोनों टीमों ने बहुत अच्छा मुजाहरा किया और पब्लिक को भी मैं मानता हूँ कि बहुत मज़ा आ रहा है इस गेम में और आगे जो पाली होने वाली है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम बनने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह बहुत अच्छा गेम है। ठीक, तो आप देख सकते हैं बहुत शांतिपूर्वक खेल चल रहा है। प्रशासन हमारे साथ पहले दिन से बना हुआ, इन तमाम लोगों का शुक्रिया। LIU से जो लोग हमें परमिशन करी, SDM मैडम ने हमें परमिशन करी, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। कमेटी विद्युत विभाग ने जो हमें परमिशन करी उसका शुक्रिया अदा करती है। खानपुर थाने SO जो दरोगा जी हैं, जो भी हैं, उन्होंने हमें परमिशन की, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और उन तमाम लोगों के लिए शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कराने में सहयोग दिया है। तो एक शानदार टूर्नामेंट, बहुत लाजवाब टूर्नामेंट चाहे चार टीमों के बीच हुआ है लेकिन हुआ ज़बरदस्त है। रफू भाई बहुत खुश होंगे अपने बच्चे की पकड़ से, क्या कहना चाहोगे?
हमें तो उम्मीद भी ना थी इन बच्चों के, जैसे बच्चे हैं ये, इनको पकड़ पकड़ के लाके मैंने कहा चलो टूर्नामेंट को कामयाब करेंगे चल के। शुएब ने काम कर दिया तुम्हारे? हाँ इंशाल्लाह ये बच्चे सारे काम करेंगे आगे चलने के बाद। मैंने क्यों बोले क्या थोड़े बहुत थोड़े थोड़े बिल्कुल 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 आगे चलने के बाद मैं इंशाल्लाह ये ऐसे ही खेलेंगे जैसे हमने रिकॉर्ड बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल भाई, क्या नाम है, हिलाल भाई अगर मैच देख रहे हो तो बब्बू भाई को फोन कर दो, बुगराशी वाले जो उनसे अनाउंसमेंट करवा दो, मेरा भाई मैं जा नहीं पाऊंगा उधर, तुम अनाउंसमेंट करा दो, बब्बू भाई को फोन कर दो, उनका नंबर होगा तुम्हारे पास, बब्बू भाई बुगराशी, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज 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 आप उनको फोन कर दो। मैच जो है वो दोबारा शुरू हो रहा है, माहौल बनाइए, जो लोग आगे बैठे पीछे हो जाइए, वॉलंटियर थोड़े एक्टिव हो जाइए, और ये गेट गेट पे से थोड़ा सा थोड़ा पीछे रहिए, वॉलंटियर इधर इधर के लोगों को पीछे करिए थोड़े से कोने में। पैर डॉल पे रख गया और वो जल गए। बिल्कुल सही डिसीजन, जब सांस तोड़ा है काशिफ भाई के टांगों में कैची लगी हुई थी, बहुत सही डिसीजन है, बढ़िया डिसीजन, बहुत बढ़िया डिसीजन। हुचकी ले गया सासर, सासर हुचकी ले गया था, बहुत सही डिसीजन। बढ़िया सांस काशिप भाई से, ये पकड़ हो गई, बेहतरीन पकड़। बुगरासी के प्लेयर बैठ गए तीन, ये तीनों प्लेयर बैठ गए बुगरासी के। अरे लगवा ले थोड़ी सी, क्या हो गया लगवा ले, अरे लगा डाल देना, तू ही पूछ रहा है, डाल दे, पार्ट ऑफ अ गेम है। पकड़ हो गई, पकड़ शाबेज 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 ओ शाबेज, पकड़ पकड़ पकड़, सात हाथों में तोड़ा दिया यार, इस बारे में बात ना करें, कोई शिकायत है तो कमेटी के वहां के कैप्टन उसमें चेक करा ले, वही वही चेक करा लो, कोई बात नहीं, चैलेंज कर लो, आराम से चैलेंज कर लो, पूछ लो पूछ लो। सांस जो है वो हाथों में तोड़ा है, नहीं चैलेंज कर सकते हैं, बुगराशी वालों ने नहीं करा था अभी, तुमने बोलो पब्लिक में बोलो बिल्कुल भी, हाँ तीसरा बंदा चला गया, अकड़ है, सांस नहीं तोड़ पाया था शावेद, यहां से इतनी दूर से दिख रहा है, सांस नहीं तोड़ पाया था। बेहतरीन सांस, बसी के दो प्लेयर बैठ गए हैं, रेफरी साहब एक मिनट का टाइम लूंगा, एक मिनट का, सिर्फ मुझे एक ऐलान करना, बस ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा क्योंकि उसका खेल चल रहा है, मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ, ये 12 बस्ती कबड्डी टूर्नामेंट में
हमारे चंदियाने से जनाब जुबैदुर रहमान साहब उस बब्बन मियां ने 25,000 रुपए का इसमें ताउन किया है। जोरदार तालियां। उनके इस्तकबाल करते हैं, उस टूर्नामेंट के अंदर शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ऐलान ये है, शाहजहांपुर से जनाब हसीन हैदर खान साहब एवरग्रीन नर्सरी वालों ने 25,000 रुपए का ताउन कमेटी के लिए किया है। उनका तय दिल से कमेटी और सारी आवाम एक शुक्रिया अदा करती है। और उनकी तरफ से एक विनर टीम के लिए काफी बड़ा कप इनाम बतौर लाया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शावेज, शावेज, वहां जा, वहां काशिफ भाई देख लो एक बार और, देख लो, संतुष्टि कर लो, देख लो, दिखा दे, दिखा दो भाई, यही कुर्बानी है क्या? हम कुर्बानी देंगे, ये कुर्बानी दे रहे प्लेयर, प्लेयर, प्लेयर कुर्बानी दोनों तरफ के। हाथ ऊपर कमर पर रखा, दिखा 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 चैलेंज कर दो, बैठ जाओ अयाज भाई, आप बैठ जाओ। अरे ऐसे हाथ लगा हुआ है अपने सामने, थोड़ा बहुत दूर का मैं निकलने के बाद साथ हुआ तुम्हें तो इसे पकड़ देना है, वो निकला हुआ यार, तुम भी कबड्डी खेलो यार। हाँ यार, आप क्यों बोल रहे हो? खिलाड़ी मत बोलो, मत कहो यार ये बात। आप पहुंचे रेफरी साहब, ये वाला साहब दोबारा करा दीजिए। ठीक, ऐसा साहब लिपटो जी, बैठो, दोबारा करा दिया करिए। बेहतरीन, ये बढ़िया सांस है, इस तरह से साफ सांस लगेंगे तो रेफरी के लिए भी आसानी होगी, देखने वालों के लिए भी होगी और खेलने वालों के लिए भी होगी। बेहतरीन सांस, शानदार सांस अभी भाई है। जादू है वो गेट खोलते, मेहमान ने खुशी से कुछ हमारे तशरीफ लाए। बेहतरीन सांस, अगर इस तरह से सांस लगेंगे तो रेफरी के लिए बहुत आसानी होगी, हर बार आसानी होगी। पकड़ हो गई। बुगरासी के 3 प्लेयर बैठ चुके हैं अब। ये पकड़ हो गया, कूदना चाह रहे थे लेकिन कूद नहीं पाए। बहुत शानदार पकड़, लाजवाब खेल। और ये भी पकड़ है, ये भी, ओ नहीं, शिराज, शिराज, 1 मिनट का टाइम लूंगा, 1 मिनट का, जरा दोनों टीमों की आवाज, एक बार ध्यान से सुने, मजा ले। अरे बैठो ना भाई, जोर से तालियां बजाना, खड़ा हो गए, ये वो करना, शोर शराबा करना, ये बहुत ज्यादा गलत है। नुमाइंदे को बोलो, नुमाइंदे को, प्लेयर से अपनी अपनी जगह बैठे, प्लेयर, नुमाइंदे को बोलो, नुमाइंदे को, जफीर भाई, नुमाइंदे से बोलो, सुनो, अगर अगर बदतमीजी करनी है तो अल्लाह के वास्ते हम बंद करा रहे हैं इस खेल को। अरे नुमाइंदे को बोल दो, प्यार से खेलो, बढ़िया चल रहा खेल भाई, बढ़िया खेलो, प्यार से खेलो, प्यार। सुनिए,
पहुंचिए, अपनी अपनी जगह पहुंचिए, सब लोग अपनी जगह पहुंचिए, बैठिए बैठिए, सब सब लोग अपनी जगह बैठिए। हमारे हमारे वीडियो के वीडियोग्राफर ये फाइनल है कबड्डी का, 1088 लोग, 1000 शेयर, 1000 लाइक कर। तुम मुस्कुरा के खेलो, मुस्कुरा के, तुम्हें तुम्हारे समझ में नहीं आ रही कोई बात। तुम्हारे बारहवीं कबड्डी टूर्नामेंट में तशरीफ ला चुके हैं, कमेटी उनका इस्तकबाल करती है। आइए आइए, देखिए ये जो अभी मेरे पास शिकायत आई है कमेटी के पास, बसी के प्लेयर की शिकायत है कि बुगरासी के प्लेयर्स ने उसके साथ बदकलामी से पेश आए हो, तो इस बात का ध्यान रखें, कोई भी प्लेयर्स एक दूसरे के साथ बदतमीजी ना करें। अगर बदतमीजी करते हैं और अगर आइंदा उस प्लेयर की शिकायत आ जाती है तो मैं उसे टूर्नामेंट से भी बाहर निकाल सकता हूँ और मैच के लिए भी बाहर निकाल सकता हूँ। इस बात का ध्यान रखें, बिल्कुल फतेह ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे कोई भी प्लेयर कि मैं कुछ भी कह दूंगा और कुछ भी कह के चला जाऊंगा और सब छीन लिया जाएगा। इतनी सी भी बर्दाश्त की देखी जाएगी बदतमीजी, फौरन बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, चाहे प्लेयर्स हो चाहे पूरी टीम हो। ध्यान रखे उन पर, खेल शुरू कराइएगा। बुगरासी के 3 प्लेयर बैठे हैं अभी, लग गया, बहुत बढ़िया, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, उनके लग गया, उन्होंने बता दिया। हाथ डले थे लेकिन पकड़ नहीं पाए। कूल खेलो बेटा, कूल वो मत करो, थोड़ा नुमाइंदे को बताओ कोई परेशानी हो रही है तो। पकड़ ही है, ठीक है बबलू भाई पकड़। तीन और दो 5 बैठे हैं बुगरासी। पकड़ हो गई, पकड़ हो गई, पकड़ बेहतरीन पकड़ रिहान से। ये मिट्टी लगाई जाती है, मेरे देश की मिट्टी, सोना उगले उगले हीरे मोती। बेहतरीन सा, बढ़िया, ये साफ खेल है। सांस सूखा हुआ दे दिया, पकड़िया आओ भाई, पकड़िया आओ, बेहतरीन सांस काशिफ भाई से। नाम मुझे शायद फैयाज भाई हैं, चंदियाना रेफरशिप फैयाज भाई कर रहे हैं, शायद चंदियाना फैयाज भाई नाम है इनका।
पास अभी 22 है एंड मूवमेंट पे निकल गए, शायद हल्की सी कोई दिक्कत हो रही है उनकी पसली में। बेहतरीन साज काशिप भाई का, सफा सुथरा खेल होता हुआ। जवाब ताकत के बल पे फेंक दिया। और ये पकड़ है शानदार शानदार पकड़, दो बसी के खिलाड़ी बैठ गए। ये गले मिल गए हैं, प्यार मोहब्बत से खेल होगा। दोबारा लिपटवा झिपटवा दोबारा होगा। बेहतरीन सास, बसी के तीन प्लेयर बैठ गए। और रुक जाओ एक मिनट रेफरी साहब, रुक जाओ नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे 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 बैठो, नीचे नीचे बैठो, चलो। बेहतरीन पकड़ है क्या ये, क्या ये बेहतरीन पकड़ है? जी हाँ, बहुत शानदार पकड़, लाजवाब पकड़ कहते हैं इसको। बसी के चार प्लेयर बैठ गए अब, बेहतरीन पकड़। बसी के प्लेयर बैठ गए, तीन और दो पांच। बेहतरीन सांस, लाजवाब सांस, बुगरासी का एक और बसी के चार। बेहतरीन सांस, लाजवाब सांस, बढ़िया सांस लगाए। अरे डॉल बना, तुम सुन बैठो, एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ रेफरी साहब, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, डॉल बना दो पहले। बेहतरीन सांस, बढ़िया, बहुत बढ़िया सांस। आमिर आए पकड़ करने के लिए, चार बैठे बसी के। कोई बात नहीं, पहले देख रहे थे सुनो सोलेद भाई, वहाँ जाके देखो, अरे वहाँ जाके देख लो, वहाँ जाके आता जाओ, तुमने बुला दिया।
रुया 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 जलने से पहले हाथ डाल दिया तो उसमें नहीं बताओ मुझे बैठ जाओ बैठ जाइए बैठ जाइए आप लोग। मेरी कमेटी से दरख्वास्त है ये थर्ड एम्पायर का देखा ना बेकार है जो रेफरी का फैसला हुआ डाले छोड़ गया बेकार की बात है लेकर बार बार बैठ जाते हो उसमें नहीं आता रेफरी देगा जो देगा वो फाइनल है कोई अचानक नहीं आएगा बिल्कुल समझा बना रखा है सारे पेड़ भाग क्या पड़ते रेफरी में कोई उम्मीद नहीं उठाएगा तो कर दिया फाइनल है बिल्कुल बैठ जाओ तुम बैठ जाओ बैठे बैठ जाओ या फिर जितने टूर्नामेंट कराने वाले फरिश्तों का इंतजाम करे फरिश्तों से बुला खेलवाए दोबारा तीन बैठ गए बुगरासी के बेहतरीन पकड़ बगरासी के तीन और तो पांच प्लेयर बैठे हैं छह बैठ गए बुगरासी के हमारे स्टाफ के दो आदमी हैं पुलिस के बेहतरीन साथ तीन और तीन चार एक साथ बैठ गए साथ भाई की तरफ से 500 रुपए वो इनके पास गेट की चाबी है गेट खोल दे हमारे पुलिस के स्टाफ के दो लोग हैं सिविल में उन्हें अंदर बुला लीजिए बेहतरीन बढ़िया सांस बुगरासी का दोबारा पकड़े
पकड़ पकड़ हो गए। अरे एक खिलाड़ी बैठो यहाँ पे, कोई भी एक एक बैठो। बेहतरीन पकड़ आमिर ने, शानदार पकड़े किए बसी के लिए। तबरेज से बुगरासी के तीन पीछे हैं और एक साथ बैठे हैं। पकड़ हो गई, जल गया, जलावा दे दिया, जलावा सॉरी जलावा दे दिया शिराज को, पैर डॉल पे रख गया, जलावा दे दिया। और डॉल बना खाली डॉल, आज मुरलमा खान की तरफ से शिराज बसी को 1,000 रुपए इनाम दिए जाते हैं। तीन पीछे और एक साथ बैठे हैं बुगरासी के। बुगरासी के 9 खिलाड़ी बैठ गए। दस खिलाड़ी बैठ गए बुगरासी के 10 खिलाड़ी बैठ गए। एक बात का ध्यान रखें, सुनिए रेफरी साहब, एक मिनट खेल रोकिए, मेरा खेल रोकना, एक मिनट। ये फील्ड के अंदर तमाशा ना, 2 मिनट में निकाल दूंगा। दस प्लेयर बैठ गए बुगरासी के, मैं इन्हें अभी शांत कर दूंगा, 2 मिनट में औकात बता दूंगा इनकी। और वॉलंटियर हटने, एक मिनट में हटने, हटो सामने से हटो, वॉलंटियर सामने से हट जाओ, इन्हें बसी को अंदर करा। अरे अखाड़े पे आओ, चलो तुम्हें भी सबक सिखाऊं। अगर तुम्हें अंदर आने की इजाजत दे दी 500 ज्यादा की, तो तुम शराफत का नजायज फायदा उठाओगे, मैच में बदबदगी फैलाओगे। हिफाज में रहना इस बात से। वॉलंटियर अगर आप कोई सा भी शोर शराबा करे ना, लिमिट से ज्यादा इन्हें निकाल के बाहर फेंको। चलिए अपनी जगह पहुंचिए वॉलंटियर, मैं शुरू कराइए रेफरी साहब। अगर ये सांस लग गया तो फिर पाली हो जाएगी बसी की। पाली हो गई, ये पाली हो गई। एक एक पाली दोनों की हो गई, लास्ट पाली है, इसमें जो है वो फाइनल होगा कि कौन जीतेगा ये मैच। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ।